नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो दोस्तों, कल जो है हमने ब्लॉगिंग का कुछ बेसिक सेटअप देखे, आज जो है हम ब्लॉग के अंदर जितना भी जो भी उसका पैनल होता है उसको समझेंगे कि क्या क्या उसके अंदर होता है और कहां कहां पे क्या क्या चीज़ हमें करनी पड़ती है। तो चलिए उसके लिए हम खोल लेते हैं यहाँ पर ब्लॉग स्पॉट, और ब्लॉग स्पॉट के अंदर जाके हम पूरे पैनल को जो है आज समझेंगे कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पर होती है और हमें क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से चेक करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला ऊपर साइड से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे मिल रहा है पोस्ट। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है अभी कोई भी पोस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी अगर कोई पोस्ट होता तो यहाँ पे वो पोस्ट हमें दिखाई देता। तो जितने भी हम आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करेंगे वो यहाँ पोस्ट के अंदर आकर ही हम जो है उसको क्रिएट करते हैं, और वो जो भी उसमें अपडेशंस, मॉडिफिकेशंस या डिलीशन करने होते हैं वो इसी पोस्ट की जगह पे ही हमें करने पड़ते हैं। इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन होता है यहाँ पे, ये होता है स्टेट्स। स्टेट्स बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे ओवरऑल जो भी हमने आर्टिकल्स इसमें पब्लिश किए हैं, जो भी हमने पब्लिश कर रखे हैं, तो हमारे वेबसाइट पे हमारे इस ब्लॉग के ब्लॉगर के ऊपर जो है कितना ट्रैफिक आया है वो सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे पता चलती हैं। पहला है ओवरव्यू। ओवरव्यू में आप यहाँ पे साइट पे देख पाएंगे कि आपका जो है आज के व्यू कितने हुए हैं, कल कितने हुए थे, यहाँ पे लास्ट मंथ पेज व्यू कितने हुए थे और ऑल टाइम हिस्ट्री में पेज व्यू कितने हुए हैं। सो उसी के साथ साथ में यहाँ पे पोस्ट कितने हैं उसके हिसाब से भी आता है, ट्रैफिक सोर्स के हिसाब से भी आता है, ऑडियंस के हिसाब से भी आता है। तो ये आपको एक ओवरव्यू मिलता है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जो है सेकेंड ऑप्शन है इसके अंदर पोस्ट। पोस्ट जो है बेसिकली आपका कौन से पोस्ट पे कितना पेज व्यू हो रहा है तो वो जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा पोस्ट वाइज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ट्रैफिक सोर्सेस। ट्रैफिक सोर्सेस बेसिकली ये हैं कि कौन कौन सी जगह से कितना कितना ट्रैफिक आपके पास आया है। यहाँ पे रेफरिंग यूआरएल बेसिकली जो आपके आपने कहीं कहीं पे जो भी बैकलिंक्स वगैरह क्रिएट कर रखे हैं तो वो यूआरएल्स कहाँ कहाँ से हैं वो यहाँ पे दिखाएगा। रेफरिंग साइट्स, अगर आपने कौन कौन सी वेबसाइट से जो है आपके पास ट्रैफिक आ रहा है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे सर्च कीवर्ड्स, तो हमने जितने भी आर्टिकल्स डाले हैं उनमें जो हमने टैगिंग इस्तेमाल करी है तो उसमें जितने भी हमने कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हैं उनके कीवर्ड के हिसाब से जो सर्चिंग हो के आएगा वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है ऑडियंस। अब ऑडियंस में हमें ये पता चलता है कि हमारा जो ऑडियंस है तो वो कहाँ कहाँ से है पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं पेज व्यू बाय कंट्री, तो यानी कि कौन कौन सी कंट्री से हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है वो भी हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पेज व्यू बाय ब्राउज़र, तो कौन कौन से ब्राउज़र से कितने कितने व्यू आ रहे हैं वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है पेज व्यू बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो है हमें कितने कितने व्यूज़ मिल रहे हैं वो सारे डिटेल में जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर ये स्टेट की अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो बेसिकली ये हमें हमारे पूरे ओवरऑल हमारा ब्लॉग जो है कितना काम कर रहा है, कहाँ कहाँ पे हमारा टारगेट ऑडियंस है, तो वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ पे हमें जो है ज़्यादा अट्रैक्शन मिल रहा है ऑडियंस का, तो उसके हिसाब से हम हमारी प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन जितने भी आपके व्लॉग्स होंगे उन पे जितने भी कमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, और कुछ स्पैम कमेंट्स अगर आएंगे तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली स्पैम कमेंट्स में भी डाल देता है, ठीक है। अभी यहाँ से आप ये तो अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ये वो सेटिंग है कि अगर कोई भी कमेंट वहाँ पे लिखता है वो डायरेक्टली पब्लिश हो जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो डायरेक्टली पब्लिश ना हो, पहले वो हमारे हम उसको चेक करें, अप्रूव करें, तब जाके वो पब्लिश में जाए, अदरवाइज़ जो है वो मॉडरेशन में पड़ा रहे। तो वो सेटिंग करने के लिए अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद जो है हमें यहाँ पे जाना है पोस्ट एंड कमेंट शेयरिंग। पोस्ट एंड कमेंट शेयरिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन है, तो आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन है। यहाँ पे जो है पहला है कमेंट लोकेशन, तो यह है एम्बेडेड,
तो ये हमें जो है ये एम्बेडेड ही रखना है, फुल पेज पॉपअप विंडो या हाइड नहीं रखना है। अगर हाइड कर देंगे तो डेफिनेटली उस पर कोई किसी पे भी जो है कमेंट बॉक्स दिखाई नहीं देगा किसी भी आर्टिकल पे। फुल पेज पे करेंगे तो हमारा जो जैसे ही वो उस पर कमेंट करने के लिए क्लिक करेगा तो उसको जो है पूरा फुल पेज पे जो है वो कमेंट का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। और ये पॉपअप विंडो करेंगे तो जैसे ही वो कमेंट के लिए क्लिक करेगा तो अलग से एक पॉपअप विंडो जो है ओपन होगा, तो वो एक इरिटेटेड जो काम हो जाता है, कई बार यूज़र उस चीज़ को सही नहीं समझते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा जो है इसको एम्बेडेड में रखना है। और यहाँ पे हु कैन कमेंट, मतलब कौन कौन हमारे आर्टिकल्स वगैरह पे हमारे व्लॉग के ऊपर कमेंट कर सकता है, तो यहाँ से हम ये तीन ऑप्शन है हमारे पास, एनी वन, और दूसरा है ऑप्शन है यूज़र विद यू गूगल अकाउंट, यानी कि ऐसे यूज़र जो इनके पास गूगल अकाउंट है वही कमेंट कर सकते हैं, या फिर ओनली मेंबर ऑफ दिस ब्लॉग, या फिर जो इस ब्लॉग के जो मेंबर बन चुके हैं हमारे इसमें जो रजिस्टर्ड हो रखे हैं वही इस पे कमेंट कर पाएंगे। तो हमें क्या है, हम तो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा जो है हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। तो हम जो है इसको एनी वन पे क्लिक कर देते हैं। और साथ ही साथ ही अब यहाँ पे आता है कमेंट मॉडरेशन। कमेंट मॉडरेशन ये वाला वो ऑप्शन है कि नेवर बाय डिफ़ॉल्ट में रहता है कि आपका जो भी कमेंट अगर कोई करता है वो डायरेक्टली पब्लिश हो जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि वो सीधा का सीधा पब्लिश हो जाए, तो हम क्या करते हैं उसको समटाइम एल्स की अगर बात करें तो ये समटाइम एल्स में क्या है कि पोस्ट ओल्डर देन 14 डेज, तो यहाँ पे हम कितने दिन पुराने, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है कि कितने दिन पुराने जो पोस्ट हो जाएं, कमेंट आ जाएं, तो वो जो है उसको पब्लिश कर दे। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ डेज के हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं, और या फिर हम जो है इसको ऑलवेज पे क्लिक कर देंगे। तो ऑलवेज पे क्लिक कर देंगे तो अभी जब तक हम इसको अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो कमेंट जो है पब्लिश नहीं होंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो है यहाँ पे समटाइम वाले पे जा सकते हो, या फिर आप जो है ऑलवेज पे रखें, क्योंकि यहाँ पे आप कई बार बहुत सारे इस तरह के गलत कमेंट भी आ जाते हैं जो आप नहीं चाहते कि आपकी रेपुटेशन को ख़राब करे, तो इसलिए आप जो है यहाँ पे हमेशा ऑलवेज मॉडरेशन पे रखें, ऑलवेज पे रखें। उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है शो वर्ड वेरिफिकेशन, तो हम जो है इसको येस रखेंगे, नो नहीं, येस रखना है हमेशा। रीज़न बीइंग क्योंकि बहुत सारे हमें भी पता है बॉट्स अटैक वगैरह होते रहते हैं, तो यहाँ पे उस चीज़ों के बचने के लिए, स्पैमिंग को रोकने के लिए जो है हमें एक वेरिफिकेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल पाए कि वो जो कमेंट हमारे पास पहुँच रहा है वो किसी रोबोट ने नहीं जनरेट किया है, वो जो है एक वैलिड यूज़र ह्यूमन बीइंग ने जो है उसको कमेंट किया है। तो ये जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं, येस रखना है कि नो रखना है वो हमारे ऊपर डिपेंड है। वैसे मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको येस रखें। इसके बाद आती है बारी कमेंट फ्रॉम मैसेज। हम जो है यहाँ पे एक मैसेज ऐड कर सकते हैं हर कमेंट बॉक्स के ऊपर साइड पे, यहाँ पे जो भी आप मैसेज लिखोगे वो मैसेज जो है वहाँ पे फ्लैश होने लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद अगर हम इसको सेव सेटिंग करते हैं, तो सेव सेटिंग करने के बाद जो है अभी मैं आपको यहाँ पे कमेंट पे अगर क्लिक करके बताऊँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन आ गया है अवेटिंग मॉडरेशन। तो जितने भी आप कमेंट आएंगे तो वो सबसे पहले हमारे पास अवेटिंग मॉडरेशन में आएंगे, उसके बाद हम उसको चेक करेंगे और उसको अप्रूव करेंगे, तब जाके वो पब्लिश में जाएंगे। तो अगर कोई हमारे लिए ख़राब कमेंट है तो हम जो उसको सीधा डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑप्शन अर्निंग्स का, अर्निंग का टर्न योर पैशन इनटू प्रॉफिट। तो बेसिकली यहाँ से आपके पास, आप डायरेक्टली इसको यहाँ से भी अपने एडसेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से आप एडसेंस के लिए कनेक्ट करोगे तो आपके लिए यहाँ पे इस ब्लॉग के ऊपर कुछ ट्रैफिक होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ट्रैफिक नहीं आ रहा होगा, नया ब्लॉग है, तो आपको जो है यहाँ से अप्रूवल नहीं मिलेगा। हाउ टू क्वालिफाई फॉर दिस एडसेंस, तो आप जो है इस पर क्लिक करके पूरी गूगल की टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह आप पढ़ सकते हैं, कितना क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ठीक है, अब मैं आपको दूसरा भी तरीका बताऊंगा कि बिना इसके भी आप इससे कमाई कर सकते हैं, इसमें ऐड लगा सकते हैं, वो कैसे हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पेजेस। यहाँ पे डिफरेंस है पोस्ट के अंदर, पेजेस के अंदर पोस्ट हमारे आर्टिकल्स हैं
और पेजेस हमारे जैसे कि प्राइवेसी हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, डिस्क्लेमर हो गया, ठीक है, इस तरह के अबाउट अस हो गया, तो ये सारे जनरली हम जो है पेजेस में डिफाइन करते हैं, ताकि जो है हमें कभी कोई चीज़ ऐड करनी है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो डायरेक्टली हमें जो है लिमिटेड पेज हमने बना रखे हैं, उन पेज पे यहाँ पे ओपन करा और उस पर एडिट करके उसको अपडेट कर दिया। लेकिन अगर पोस्ट में ये सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे तो हमें क्या है कि वो ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर गया वो हमारा अबाउट अस, कहाँ गया वो प्राइवेसी, तो तब जाके हमें उसको ढूंढ के जो है निकाल के फिर उसको एडिट करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो कि यूनिक पेजेस हैं, लोकेशंस हैं, जो आपका कंटेंट है जिसको आपको टाइम टू टाइम अपडेट रखना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे पेजेस में क्रिएट करते हैं। इसके बाद आता है बात लेआउट की। ये लेआउट बेसिकली जो भी थीम हमारे पास चल रही है उसी के उसके जितना भी बैकएंड कह सकते हैं, ये एक तरह का बैकएंड है जहाँ से हम सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि फेविकॉन को एडिट कर सकते हैं हम। यहाँ पे अभी जो है ये लगा है फेविकॉन, बेसिकली ये जो जब भी हमारी वेबसाइट खुलती है, जैसे कि ये ब्लॉगर खुला है, तो यहाँ पे ये जो आइकन आ रहा है वो ये वाला आइकन है, तो यहाँ पे जो भी हम चेंज करेंगे वो आइकन यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे हेडर कौन सा है, चलिए मैं एक बार व्यू ब्लॉग पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो अभी हमारा जो ब्लॉग है वो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ये इसका हेडर है, ठीक है। हेडर में अगर कुछ हमें चेंजेस करने हैं तो हम जो है यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करके हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम हमारा ब्लॉग का टाइटल, यहाँ पे हम उसका डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे जो है हम उसको नहीं चाहते कि ये लिखा हुआ है, तो हम कोई लोगो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम जो है लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे लिखना है अपना, सिर्फ नाम ही लिखना है, हम कोई लोगो बना के रखा है हमने तो हम हमारा लोगो भी लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको एक लगा के भी दिखा देता हूँ। तो लगाने के लिए आई थिंक मेरे पास कोई बना हुआ होना भी चाहिए, चलिए एक मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मैंने अभी कुछ बनाया था तो वहीं लगा के दिखा देता हूँ। ये मेरा एक लोगो है तो इसको मैंने लगाना है, तो मुझे क्या करना है अभी ये मैं आपको दिखाऊं, ये अपलोड हो रहा है तब तक, तो यहाँ पे अभी आ रहा है लिखा हुआ आ रहा है मोबाइल टेक गुरु, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी मैं क्या करूँगा, मैं क्या कर रहा हूँ अभी इस यहाँ पे ये वाला चाहता हूँ कि मेरा लोगो लगे, तो अगर यहाँ पे नीचे देखना तीन ऑप्शन है बिहाइंड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, तो अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे सेव करके आपको यहाँ पे इसको जो है एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि अभी जो हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी एज इट इज़ है, और यहाँ पे जो है आई डोंट नो कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो डीजी फेस्ट जो है ये इसके बैक साइड पे चला गया, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि यार ये तो अच्छा लग नहीं रहा है क्योंकि वो पूरा दिखाई भी नहीं दे रहा है, इंस्टेड ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, तो हम चाहते हैं कि टाइटल भी दिखाई ना दे, हमारा डिस्क्रिप्शन भी दिखाई ना दे, उसके बदले के हमारा ये लोगो ही दिखाई दे, तो इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद हम अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो अभी जो आप देख सकते हैं कि ये जो है इस तरह से हमारे पास दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, तीसरा ऑप्शन हैव डिस्क्रिप्शन प्लेस्ड आफ्टर द इमेज, ठीक है। इसको जो है हम इसको चेकबुक कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये सेव हो गया, अभी इसको वापस से एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो भी आ चुका है नीचे साइड पे, और जो उसका जो हाँ लोगो है वो भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो आती हैं थीम्स, तो इसी तरह से ये अगर लेआउट की और मैं बात करूँ तो लेआउट में हमें को बहुत सारी जो भी चीज़ें चेंजेस करनी है, जो भी यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है, तो ये सभी चीज़ें जो है वो हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो ये पूरा एक तरह का बैकएंड है जहाँ से हम जो है पूरा लेबल वगैरह जो है सारी चीज़ें ये करेंगे अपन, इसको भी आगे बढ़ाएंगे और पूरी चीज़ों को करके देखेंगे, एक एक पॉइंट आपका मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं थीम वाला ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे लाइव ऑन ब्लॉग, ये लाइव ऑन ब्लॉग और यह मोबाइल पे ये वो थीम है जो अभी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यार हमें ब्लैक कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या करते हैं, दूसरी कोई थीम चाहते हैं, तो जो भी थीम चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी थीम नीचे पड़ी हुई हैं जो कि ब्लॉगर की तरफ से दी हुई हैं, तो हम जो भी चाहते हैं उस पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो है हम इसको अप्लाई ब्लॉग कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको अप्लाई ब्लॉग करेंगे, चलिए अभी एक बार रिफ्रेश करते हैं,
तो जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर ये भी हमें पसंद नहीं आया तो से फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं वाइट वाला, तो ये वाली थीम हमें अच्छी लग रही है तो हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करने के बाद ओके गॉट इट के लिए कर लेते हैं। यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पे हमने जो है अभी हमारी थीम जो है वो चेंज हो चुकी है। तो जो भी थीम हमें चाहिए है वो थीम हम अपने हिसाब से यहाँ से लगा सकते हैं। तो बहुत सारी थीम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो जैसी भी हमें थीम चाहिए है वैसी थीम हम इसमें लगा सकते हैं, जो भी हम इसमें से सेलेक्ट करना चाहें। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, वो ये है कि जो जितनी भी यहाँ पे ये वर्ड ब्लॉक के अंदर थीम दी गई हैं ये सारी SEO फ्रेंडली हैं, ताकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है बहुत ही आसानी से इन पे जो है सर्च हो जाता है, बहुत ही आसानी से जो है गूगल के अंदर इनकी रैंकिंग कराई जा सकती है अगर हम जो है इन थीम्स का इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है हम यहाँ से सेलेक्ट करके देख सकते हैं। सो दोस्तों, आज का और वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो और ज़्यादा लंबा ना करूँगा, लेकिन सिर्फ एक चीज़ आखिरी और ये बता दूंगा कि ये थीम को भी हम जो है कुछ चीज़ें जो चाहते हैं कि भैया हमें ये सेट नहीं आ रही है, जैसे कि यहाँ पे लिख के आ रहा है पावर्ड बाय ब्लॉगर और यहाँ पे हम हमारा नाम भी चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें जाके जो हमारी लाइव थीम चल रही है यहाँ पे एडिट HTML पे जाएंगे, और HTML पे जाने के बाद जो है हमें उसको मैनुअली सर्च करना पड़ेगा कि वो कहाँ पर लिखा हुआ है। तो जहाँ पर भी वो लिखा हुआ है वहाँ जाकर हमें उसको एडिट करना पड़ेगा, तब जाकर वो जो है हमें वहाँ पे दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो ये इसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत एडवांस लेवल की हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ी भी चीज़ आप इधर उधर कर दोगे तो आपका जो पूरा व्लॉग की सेटिंग है वो पूरी बिगड़ जाएगी और ये जो है सेव भी नहीं होगी थीम, उसमें भी थीम के अंदर भी आपके बहुत सारे एरर आने लग जाएंगे। तो अभी मैं आपको इसके विषय में कुछ नहीं बताने वाला, बेसिकली यहाँ पे ओवरऑल आइडिया दे दिया कि यहाँ से आप जो है इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम एडिट किस हिसाब से करना है, क्या क्या करना है, वो हम आगे फ्यूचर में इसको देखेंगे। सो दोस्तों, ये था आज का हमारा ये इतना सा वीडियो। और यहाँ पे एक और चीज़ कि ये जो थीम है हम चाहते हैं कि जो जैसा हमें डेस्कटॉप पे दिख रहा है वैसा ही हमें जो है मोबाइल डिवाइस के ऊपर दिखे, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, ये एक आइकन है, इस आइकन के ऊपर जो है इसको क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट में जो है यहाँ पे यस रहता है, तो हमें जो इसको यस की जगह पे नो रखना, नो कर देना है। तो हम जो है इसको नो शो डेस्कटॉप थीम ऑन मोबाइल डिवाइस पे करके इसको हमें करना है सेव। तो जो भी हमें यहाँ पे डेस्कटॉप पे दिख रहा है वैसा ही हम थीम जो है हमें यहाँ पे मोबाइल पे दिखेगी, वरना ऐसी बहुत सारी थीम्स होती हैं जिसमें क्या है कि डेस्कटॉप पे वो थीम कुछ और कलर कोडिंग में दिखती है, लेकिन मोबाइल के अंदर हम जब देखते हैं तो उसमें कुछ और कलर की थीम जो हमें देखने को मिलती है, जो कि हम आगे फ्यूचर में देखेंगे भी कि किस तरह से ये डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए तो इतना ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है कौन कौन सा पैनल, ये जो पूरा ब्लॉग का जो पैनल होता है कहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस हैं और उसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सो दोस्तों, कल से जो है हम स्टार्ट करेंगे हमारा ब्लॉगिंग का आगे का पूरा प्रोसेस, तो ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। सो दोस्तों, आई होप कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।